आप फिल्म एक्टर बनना चाहते हैं, तो फिल्म एक्टर बनने के लिए कौन सा रास्ता चुना है आपने? हाय ब्रेंड, आई एम सनी कपूर। आप लोग जानते हैं कि मैं टीवी सीरियल और फिल्म्स का डायरेक्टर हूँ। ये जो पीछे फिल्मों के प्रोमो और टीवी सीरियल के प्रोमो चल रहे हैं, ये सब मेरी ही फिल्मों के और मेरी टीवी सीरियल के प्रोमो है। दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलने आ गया, कुछ बातें करने आ गया। दोस्तों, ये जो फिल्म लाइन में एक्टर बनने आते हैं, एक्टर बनने का ख्वाब देखते हैं जो लोग, जो इंसान, वो कई प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको वैसे तीन प्रकार के लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक प्रकार का इंसान जो होता है, जो एक्टर बनना चाहता है, वो बहानों के कवच में लपटा होता है। सपना तो देख लेता है वो फिल्म एक्टर बनने का, लेकिन जब उससे कहा जाए कि चलो बॉम्बे चलते हैं, फिल्म लाइन में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो बोलता नहीं नहीं अभी नहीं, दिवाली के बाद। दिवाली चली जाती है, धोनी के बाद, होली के बाद होली चली जाती, तो कोई और त्यौहार आ जाता है, इसका बर्थडे, उसका बर्थडे, घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, ये मुसीबत है, ये काम हो जाए फिर चलते, वो काम हो जाए फिर चलते, इस तरह के बहाने लगा रहता है। जब आप उसको समझाते हो कि भाई देखो, ये सब बहाने हैं, इन सी चीज़ों को साथ में रखते हुए हम लोगों को एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा, फिल्म लाइन में जाकर, मुंबई जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तो आपको बड़ी सवालिया नज़र से दिखता है। और मन में डायलॉग बोलता है, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली कि मुझे बहानों की ज़िंदगी में जीना है, मुंबई नहीं जाना, तो आप समझाने वाले कौन होते हो यार मुझे? मन में ऐसा डायलॉग बोलता है। वो लोग वहीं रह जाते हैं, वो कभी आते ही नहीं, वो सिर्फ बातों बातों में अपने आप को एक्टर बोलने की कोशिश करते हैं, और आखिरी में या तो किस्मत का दोष दे देते हैं कि किस्मत ने हमें मुंबई नहीं पहुंचाया, या फिर कुछ और बहाना लगा लेते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो एक्टर बनने का सोचते हैं और मुंबई आ जाते हैं, और आते ही फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने की कोशिश करने लगते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात करना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, ना कोई एक्सपीरियंस होता है, ना पोर्टफोलियो होता है, ना श्योरिटी होती है, लेकिन वो बस संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, कोशिश करना शुरू करते हैं कि हमें चांस मिल जाए। और उसे कहा जाए कि भाई फोटो सेशन करवा लो यार, एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक श्योरिटी होना चाहिए, आपका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी आपको सवालिया नजर से पूछते हैं और मन में डायलॉग बोलते हैं, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली कि मैं फोटो शूट नहीं करवाऊंगा, श्योरी नहीं बनवाऊंगा और कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो कुदरत ने टैलेंट बचपन से डाला हुआ है, तो तू कौन होता है सिखाने वाला? वो भी आपसे मन में इस तरह का डायलॉग बोल के उस तरह का सवाल करते हैं। और तीसरी तरह के लोग जो होते हैं, वो लोग सोचते हैं जब कि मुझे एक्टर बनना है, तो वो अपने आप को परखते हैं, सबसे पहले अपने अंदर की कमियां देखते हैं, अपने अंदर की अच्छाइयां देखते हैं, फिर मुंबई आते हैं, किसी अच्छे एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिल्मी फाइट सीखते हैं, डांस सीखते हैं, एक प्रॉपर प्रोफेशनल आदमी से अपना पोर्टफोलियो बनवाते हैं, एक प्रोफेशनल आदमी से अपनी शोरील बनवाते हैं, और फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं प्रॉपर तरीके से। इन्हें भी कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, अरे यार ये क्या पोर्टफोलियो कर रहा है, आजकल पोर्टफोलियो नहीं चलता, आजकल शोरी नहीं चलती, ये क्या एक्टिंग सीख रहे हो? अरे एक्टिंग तो बस हमन अपने वो क्या कहते हैं, कुदरत की देन होती है, वो क्या कहते हैं, बॉर्न एक्टर होता है, अपने अंदर से होती है। ये लोग भी आपको घूर कर देखते हैं और एक मन में डायलॉग बोलते हैं, एक बार मैंने जो अपने आप से कमिटमेंट कर ली कि मैं सब कुछ सीख के अपने आप को तैयार करके एक्टर बनने की कोशिश करूंगा, तो आप कौन होते सिखाने? दोस्तों, ये तीन तरह जो है एक्टर बनने के, ऐसे मैंने बहुत देखे अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल देखे हैं, ऐसे लोगों से कई बार मिला हूँ। आपको क्या लगता है, किसमें कौन सा तरीका सही है? अगर आप एक्टर बनने आ रहे हैं मुंबई, तो आप इन तीनों में से कौन सा रास्ता पकड़ेंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही, और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरा एक्टिंग स्कूल भी है, कलर्स एक्टिंग एकेडमी, जहाँ पर मैं नए कलाकारों को ट्रेन करता हूँ, उनका सही मार्गदर्शन करता हूँ। तो अगर आप भी फिल्म लाइन में आना चाहते हैं और ट्रेंड एक्टर बनना चाहते हैं, जैसे कि आज बॉलीवुड में सभी लोग, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, शाहिद कपूर, टाइगर श्रॉफ सभी, तो आप भी आइए कलर्स एक्टिंग एकेडमी में, अपने आप को ट्रेन करिए। हाँ
हमारे कलर्स एक्टिंग एकेडमी का नंबर है 9892269360। नंबर रिपीट 9892269360। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार मिलेंगे फिर कुछ बात करेंगे, तब तक के लिए बाय। आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। देखते रहिए सनी कपूर एंटरटेनमेंट।